हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में कंप्लीट हम बात करेंगे आरपीएससी का R1 & EO का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। पूरा फॉर्म शुरू से लास्ट तक हम भरेंगे फॉर्म, ठीक है। OTR के बारे में बात करेंगे। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने EATA फॉर्म फिल किया था, उसमें मैंने आपको कंप्लीट फॉर्म भर के बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी थी, मैंने वो भी आपको बता दी थी। अब आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम R1 & EO, जिसमें टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें 77, यानी 77 वैकेंसी है। असिस्टेंट इन AA की है, एग्जीक्यूटिव की 41 वैकेंसी है इसमें, ठीक है। RPSC के थ्रू फॉर्म भर जा रहे हैं। इसमें SSO ID के अनुसार कैसे फॉर्म फिल करेंगे मैं आपको गूगल से बताऊँगा, जिसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, 118 पोस्ट है, जैसा कि आप थंबनेल पर देख लिया है और थंबनेल पर देख भी पा रहे हैं, जिसमें टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें 118 पोस्ट है R1 & EO AE की वैकेंसी बारे में, जो कि नगर पालिका से रिलेटेड वैकेंसी है। कैसे भरेंगे ये फॉर्म कंप्लीट मैं आपको शुरू से लास्ट तक बताऊंगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर केयर NCS में सभी का स्वागत है। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं ये वैकेंसियाँ, ठीक है। 118 पोस्ट हैं, यदि आप एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म जरूर से अप्लाई करें, ठीक है। मैं आपको शुरू से लास्ट तक बता दूंगा। आप गूगल से फॉर्म स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर दें, शेयर कर दें। मैं आपको शुरू से फॉर्म भरने बता देता हूँ। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने गूगल का होम पेज ओपन भी कर लिया है। यहाँ पर टाइप कर देंगे SSO, यानी SSS फिर O, ठीक है। यहाँ पर देख पाएंगे राजस्थान सिंगल साइन ऑन, ठीक है। इसका होम पेज ये हमारा फर्स्ट पेज, ये यहाँ से इसका लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का, इसको ओपन कर लेंगे। जैसे टाइप करेंगे ओपन हो जाएगी आपके सामने, इस तरह का इंटरफेस चलेगा। चलने दे, बिल्कुल भी ध्यान न दे, ठीक है। यदि आप फ़ोन में इस तरह की साइट देख पाएंगे, आपको लॉगिन करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये एक तो कुकीज़ ऑप्शन आ जाता है, इसको हटाना पड़ेगा आपको। यहाँ से ये जो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, यहाँ से जो क्रेस का ऑप्शन है, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। हो गया क्लोज, यहाँ पर हट गया, ठीक है। उसके बाद में लॉगिन कैसे करेंगे, यदि रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। आपको यदि नया रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर आपको प्रेस करना होगा एक बार, ठीक है। ये जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर हम प्रेस कर देंगे। जैसे प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद में इस तरह इंटरफेस चल जाएगा, ठीक है। ये इंटरफेस यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, जैसे यहाँ पर देखने के बाद में ये इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा मिलेगा सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल बार, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जन आधार नंबर, ठीक है, या फिर ऑल अदर्स लिंक्स हैं यहाँ पर, ठीक है, या फिर गूगल से भी कर सकते हैं, ठीक है। गूगल से करेंगे तो सीधा आपका ईमेल आईडी पे लिंक चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ईमेल से कनेक्ट करना होगा आपको, ईमेल से लॉगिन करने के बाद में आपका ईमेल जो होगा वो SSO ID बन जाएगा, फिर अपने खुद नाम से भी बना सकते हैं यहाँ पर क्रिएट करने के बाद में, ठीक है। ये आईडी बनाने के बाद में फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन का ऑप्शन देख रहे हो आपको मिल रहा है यहाँ पर, जैसे हम लॉगिन प्रेस करेंगे आपको इस तरह की इंटरफेस साइट देखने को मिल जाती है। ये कुकीज़ फिर से ओपन हो जाती है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। आपको ये साइट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है, इसको क्या करेंगे हम, ये लैंडस्केप में है, मैं फ़ोन से फॉर्म भर के आपको दिखा रहा हूँ। अब इसको हम पोर्ट्रेट में कर लेंगे। पोर्ट्रेट में करने के बाद में ये कंप्लीट दिख जाएगा आपको, ठीक है। लैंडस्केप में आपको नहीं दिखेगा, पोर्ट्रेट में आप करोगे तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको पोर्ट्रेट करने के बाद में लॉगिन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने इसको पोर्ट्रेट भी कर दिया है फ़ोन को, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, अपने जो आईडी बनाई है उसको NSSO ID वो यहाँ पर डाल देंगे, जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड, उसके बाद में ये जो कैप्चा है यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, हम लॉगिन कर देंगे। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं किसी कारणवश, पहले आईडी बना रखी है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड, ठीक है। फॉरगॉट माय डिजिटल आइडेंटिटी SSO ID सर्च भी कर सकते हैं, मल्टीपल है तो उसके लिए भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इस तरह से ये आईडी देख पा रहे हैं, अब इसको हम लॉगिन कर लेंगे। मैंने आईडी बना रखी है अपनी, ठीक है। तो गाइस, जैसे आपकी साइट लॉगिन हो, फिर इसको आप लैंडस्केप मोड में कर लेना अपने मोबाइल को, ठीक है। जिसको यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, यदि आपने पहले फॉर्म फिल किया होगा तो। यदि नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, इस तरह काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर दिखाएगा, तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऑप्शन मिल जाएगा, सर्च का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको टिक कर देना होगा।
जैसे आपको यहाँ पर टिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको क्यूक सर्च, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। सर्च में क्या लिखेंगे, REC, ठीक है। यहाँ पर ये सर्च जैसे यहाँ पर लिखेंगे आपको, यहाँ पर मैं आपको छोटा संभाल कर देता हूँ, यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट्स टैग 2 है ये यहाँ पर, ठीक है, ये तो अलग डिपार्टमेंट के लिए नहीं, पुलिस वगैरह के लिए है, ग्रुप डी के लिए, ठीक है। ये जो हमें ये वाला ओपन करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल, इसको हम टाइप करेंगे। जैसे टाइप करेंगे इस तरह का इंटरफेस चलेगा, यहाँ पर इस तरह का देख पा रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पर देखने के बाद में यहाँ पर, तो गाइज यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ तक भी आ रहा है आपका रजिस्ट्रेशन तक, ठीक है। नहीं OTR जिसको हम बोल सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहाँ से हम क्लिक कर देंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, पहले OTR फाइल फिल करेंगे। यदि आपने फर्स्ट टाइम SSID बनाई है तो, नई क्रिएट ID की है तो, ठीक है। यहाँ से मैंने कुछ एक डाटा छुपा दिया हूँ, ठीक है, किसी कारणवश, यानी यूट्यूब की गाइडलाइन के अंडर में आता है, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी, वो क्रैश मिले रिमूव हो गई थी, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा आपका यहाँ पर दिखा देगा, यानी OTR का, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, ये यहाँ पर मैंने छुपा रखा है। आप अपने आधार नंबर से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जन आधार से भी, या फिर अपने नाम से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछेगा RU रेजिडेंस राजस्थान, यस या नो, ठीक है। आप ध्यान रखना, राजस्थान से हैं तो यस करें, अदर से हैं तो नो कर दें। जैसे यहाँ पर करेंगे उसके बाद में आपको क्या करना होगा, ठीक है, यानी आपको अपने आधार नंबर फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद में यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड है, तो उस पर OTP लेके अपने बायोडाटा कम्प्लीट यहाँ से कर लें, ठीक है। ये कम्प्लीट करने के बाद में यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, फिर आपको फिर से वेरीफाई करना होगा, यानी आपका नाम दिखा देगा, फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ठीक है। जैसे हम इसको स्क्रॉल बार ऊपर कर देंगे, ऊपर करने के बाद में यहाँ पर इस तरह के ये सारी काफ़ी सारे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको ये कंडीशन भी कंप्लीट करनी है, क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशन, पर्सनल डिटेल भी, टर्मिनेशन डिटेल्स भी, डोमिसाइल डिटेल्स भी, एडिशनल कैटेगरीज हैं तो वो कर दें, वरना इनको ऑप्शनल में छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको फर्स्ट पेज है, ये जो फर्स्ट है OTR का, वन टाइम का, ये कंप्लीट करना होगा, उसके बाद में अपना फॉर्म फिल करें। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पर बैक टू SSO पे चले जाएंगे, यहाँ पर दबा देंगे बैक टू SSO पे, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, फॉर्म लंबा हो सकता है, और यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपने SSO का होम पेज पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर होम पेज पे पहुँचेंगे, आपको फॉर्म की डिटेल मैं आपको बताऊँगा, कैसे क्या क्या फिल करना है आपको, ठीक है। आपने फिल कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल कुछ भी करना नहीं है, नॉर्मल सी डिटेल करनी है, मैं वो आपको यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। इस तरह का होम पेज खुलेगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन करेंगे, यहाँ से जैसे हम ओपन करेंगे, ठीक है, पोर्टल ओपन हो जाता है, RO&EO को फॉर्म फिल करेंगे यहाँ से। ये साइट इस तरह से चलेगी, लास्ट डेट नज़दीक आ रही है 27 तारीख इसके, ठीक है। जल्द से जल्द अपन फॉर्म अप्लाई कर लें। यहाँ पर आपको ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर ये वाला जो पोर्टल है, यहाँ पर अप्लाई नाउ, यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का फॉर्म फिल किया था। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2nd एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4th, इसका फॉर्म फिल करेंगे। इसमें चॉइस किसको पहले देनी है, किसको बाद में देनी है, वो आपको ध्यान रखनी है। किसमें ज़्यादा वैकेंसी है, जैसे कि मैंने थंबनेल पे बताया था आपको, जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है ग्रेड 2nd में वो फर्स्ट कर देना, उसके बाद में जो 4th है उसको 2nd भी कर सकते हैं। इस तरह से इंटरफेस ऊपर कर लेना। यहाँ पर एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखा देगी, यहाँ पर फोटो अगर आपकी लगी हुई था वो दिखा देगा। यहाँ पर इस तरह से अपना डाटा चेक कर सकते हैं आपको जो भी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको जो कैटेगरी वहाँ पर फिल कर रखी है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, यदि नहीं करेगी तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको नोट एप्लीकेबल कर रखा है, यहाँ पर देख लें, ठीक है। मैंने ये यानी जो हैंडीकैप स्टूडेंट है उनके लिए है, ठीक है, वो यहाँ पर ध्यान देने के बाद में अप्लीकेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद में जो हैंडीकैप उनके लिए है, अगला यहाँ पर इंटरफेस देख रहे हैं, ठीक है। ये देखने के बाद में यहाँ जैसे स्क्रॉल ऊपर करेंगे, यहाँ पर आपको एड्रेस देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने एड्रेस को छुपा दिया है, ये यूट्यूब की गाइडलाइन के अंडर में आता है, ठीक है। एक और बात, यदि आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, आपको ध्यान है, वो नाम फिल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यदि ध्यान नहीं है तो उसको ऑप्शनल में छोड़ भी सकते हैं। अब हम उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट में जैसे करेंगे, ठीक है। तो गाइस हमने एक ऑप्शन छोड़ दिया, सॉरी, यहाँ पर देखना, ये यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ पर आपको ओपन करना होगा यहाँ से, ठीक है। यदि आप इन डिपार्टमेंट से हैं तो इनको सेलेक्ट करें, वरना नोट अप्लीकेबल कर दें,
ये करने के बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपका, देख रहे हैं, ठीक है। इसको हम यस कर देंगे, जैसे यस करेंगे आपकी साइट चल जाएगी ऑटोमेटिकली, सेकंड पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से देख पा रहे हैं इस तरह का ओपन हो गया हमारा सेकंड पेज भी। यहाँ पर आपको यहाँ पर नेशनैलिटी का ऑप्शन मिलेगा, वो इंडियन कर देना, फिर आपका स्टेट हो जाएगा, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। आपका जो भी है यहाँ से होम ब्लॉक है वो तहसील है वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यदि नहीं भी करें तो ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी एक्सप्रेसमेंट से हैं जो भी हैं, यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल यहाँ से फिल कर सकते हैं। देखने के बाद में जो भी होगा उसके डेट भी डालनी होगी आपको यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने इनकम के बारे में। यदि आपकी आमदनी यानी सालाना एक साल के लिए 2.5 लाख से ज़्यादा है या फिर कम है वो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ठीक है। यदि 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पर यस करना होगा यहाँ पर, ठीक है। उसका प्रूफ भी आपको देना होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आप ऐसा नहीं है यहाँ पर यस कर देंगे बाद में फिर प्रूफ भी नहीं मिलेगा आपको। यदि आप प्रूफ बना सकते हैं बाद में भी तो यहाँ पर यस करिए वरना नो कर दें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर स्क्रॉल बार करेंगे फिर हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट करेंगे अगली स्टेप यानी क्वालिफिकेशन आपकी एजुकेशन स्टेप है वो यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। एजुकेशन स्टेप्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, एजुकेशन स्टेप है मेरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है वो यहाँ पर आपको मैंडेटरी देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। स्टार स्टार 1, 2, 3 में, 3 में 10th, 12th और ग्रेजुएशन में यहाँ पर इस तरह से आपको दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इस कॉलम में अपने रोल नंबर दर्शाएंगे, यहाँ पर अपने पास है परसेंटेज जो भी है वो यहाँ पर दर्शा देंगे। उसके बाद में आपने कौन से सन में क्वालिफाई किया, पास किया वो यहाँ पर, फिर परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद में इसके स्क्रॉल बार यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखने की बात है रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2nd यहाँ पर 1st लिख दें और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्रेड 4th यहाँ पर 2nd लिख दें। इस तरह से मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। मैंने लिख दिया है 1st और 2nd भी लिख दिया है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इस तरह से स्क्रॉल बार पर करेंगे फिर हम नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, इनको टिक कर देंगे, सेंड OTP कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ, दोनों को टिक कर दिया हूँ। फिर इसके बाद में सेंड OTP कर देता हूँ, आपके पास एक OTP चल जाए, OTP सेंड हो गया हमारा, ठीक है। आपके मेल पे भी जाएगा, फ़ोन पे भी जाएगा, OTP हम फिल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। वो देखने में OTP भी हमारा आ गया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से थोड़ा सा ओपन करने के बाद में नीचे कर देंगे, OTP देख लेंगे 25898, ठीक है। यहाँ से फिल कर देते हैं 25898, हमने OTP फिल कर दिया है 25898 सॉरी। यहाँ पर OTP देख रहे हैं, फिर हम वेरीफाई OTP कर देते हैं, ठीक है। OTP वेरीफाई हो चुका हमारा, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। अब नेक्स्ट अगली जो स्टेप होगी आपकी लास्ट वो यहाँ पर देख पाएंगे फोटो, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैंने सिग्नेचर पे अपनी फ़ोटो अटैच कर दी किसी, मैं आपको एक तरह से थोड़ा सा वो फॉर्म भर के वैसे डिटेल बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर 1st में अपलोड कर देंगे। यहाँ से यहाँ तो अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये देखने के बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे हम। जैसे नेक्स्ट करेंगे उसके बाद में अगली स्टेप ओपन हो जाएगी आपकी, यहाँ पर देख पाएंगे आप, ठीक है। ये फॉर्म अपना चेक कर ले कम्प्लीटली, मैंने यहाँ पर छुपा दिया हूँ फॉर्म को, कुछ एक डिटेल जो यूट्यूब की गाइडलाइन के अंडर में आता है इस वजह से छुपा दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अपनी ID वगैरह चेक कर लें कम्प्लीट, आपने क्या फिल किया, क्या गलती है वो ठीक कर सकते हैं अभी फीस डिपॉजिट करने से पहले पहले, ठीक है। इस तरह से स्क्रॉल बार ऊपर कर देंगे, लास्ट में हम चले जाएंगे यहाँ पर डिक्लेरेशन है यहाँ पर, ठीक है। इसको यहाँ से करेंगे फिर फाइनल सबमिट हम कर देंगे, यहाँ से फिर यहाँ पर दबाएंगे, फिर हम सेंड OTP आपका फिर से जाएगा यहाँ पर, क्या करेंगे OTP फिर से आ जाएगा हमारा यहाँ पर, फिर से हमें OTP फिल करना होगा, फिर वेरीफाई OTP कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर हमारा OTP आ गया है 39601, ठीक है, यहाँ पर फिल कर देते हैं। अब हमने OTP फिल कर दिया 39601, वेरीफाई OTP कर देते हैं, ठीक है। वेरीफाई OTP कर दिया, मैं यहाँ से स्क्रॉल बार थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर डिटेल देख पा रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट जो भी है यहाँ पर डेट भरने की फॉर्म डेट है, डिपार्टमेंट जो भी नाम है कंप्लीट यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, पेमेंट भी देखने को मिल रही है 350 रुपये,
ठीक है, यहाँ स्क्रॉल बार पर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे पे फीस कर देंगे। पे फीस पे जैसे करेंगे यहाँ पर ओके कर देंगे, फिर हम ओके कर देंगे। थोड़ा स्क्रॉल बार इस तरह इंटरफेस चलेगा। इंटरफेस चलने के बाद में इस तरह का इंटरफेस देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है। यदि गाइज आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, एग्रीगेट यानी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से है तो यहाँ पर एग्रीगेट पे क्लिक करें। यदि फिर आपको UPI से करना है तो यहाँ पर UPI पे सेलेक्ट कर लें, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगता है उसी को चूज कर सकते हैं। तो मैं एग्रीगेट यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर आप किसी भी एक को ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके टोटल जितने भी कार्ड हैं, रुपए कार्ड, मास्टर कार्ड, डेबिट क्रेडिट, जो भी वीज़ा कार्ड हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। जिस एक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसी को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फिर पे नाउ कर देंगे। यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी कटेंगे, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे पे नाउ क्लिक कर देते हैं। इस तरह की साइड चलेगी आपकी इंटरफेस में, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी कटेगा आपका, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। आपका कार्ड भी यहाँ पर दिखा देगा, वीज़ा कार्ड या रुपए कार्ड जो भी है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप करेंगे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है आपका। मैं आपको इसका जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, 360 प्लस 3.05, ठीक है, GST का 0.55 पैसा। इसको टोटल करने के बाद में यहाँ पर आपको शो कर देगा जैसे आप पेमेंट करेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, अपने कार्ड नंबर यहाँ पर 16 डिजिट का फिल करना है, ठीक है। आपका कार्ड वीज़ा कार्ड है या फिर रुपए कार्ड है उसी को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद में आपके कार्ड नाम, मेन अकाउंट में कौन सा नाम है वो यहाँ पर फिल करें। अपने CV नंबर, अपने ATM कार्ड के बैक साइड में जो कार्ड CV नंबर होता है 3 डिजिट का, यानी 3 वर्ड का, वो यहाँ पर फिल कर देंगे। अपने जो ATM कार्ड की एक्सपायरी डेट है वो, यानी मंथ एंड ईयर, वो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद फिल कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। आपके जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आधार से अकाउंट से लिंक में है उसी पे आपके एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद में आपको पेमेंट का वो दिखा देगा, उसमें OTP 6 डिजिट का, वो फिल कर देंगे। उसके बाद में हम अपने फॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब हम फॉर्म के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर वहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको दिखा देता है, ठीक है। यहाँ पर अपने एप्लीकेशन नंबर, जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर शो कर देगा आपको। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट आउट के लिए, डाउनलोड के लिए। यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का आपको चेक करना है तो यहाँ स्क्रॉल बार ऊपर करने के बाद हम अपना चेक कर लें, प्रिंट आउट भी निकाल लें यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर दिखा देगा। अब हम प्रिंट आउट का यहाँ पर एप्लीकेशन इस तरह से प्रिंट निकाल सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस तरह का इंटरफेस कम्प्लीट देख पाएंगे, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट अपना अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। फिर भी आपको कोई डाउट है फॉर्म भरने में, कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके जैसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैरियर करेंसी पे पहली बार आए तो जरूर से सब्सक्राइब करें, ठीक है, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।